Dear students, I warmly welcome you to my Arabic learning class. So far, you have learnt 80 words of Arabic language. You have also learnt 22 type of sentences. In other words, you can say language structures. They are ma hadha, what is this? देखिए, ये question और answer की तरीके से है. इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन को अलग अलग किया गया है. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो नेयर के लिए है उसको अलग, जो फार के लिए अलग, मैस्कुलिन के लिए अलग, फेमिनिन के लिए अलग. तो आप इसी तरीके से ये आप पढ़ चुके हैं. जब मैं आपसे पूछता हूँ मा हादा, उसका जवाब है हादा मसनाउन, दिस इज ए फैक्ट्री. अब ये मा हादा की जवाब में आपने 80 वर्ड सीखा है, आप एटलीस्ट उसमें से 50 जवाब दे सकते हैं. और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन में आप अपनी तरफ से कोशिश करें उन वर्ड्स को यूज करने के लिए. तो मैं ये जो सेंटेंसेस आप पढ़ चुके हैं सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूं. पहला सेंटेंस है मा हादा, व्हाट इज दिस? जवाब हादा मसनाउन, दिस इज ए फैक्ट्री. अब फेमिनिन के लिए मा हाद ही, व्हाट इज दिस? हाद ही सैदलियतुन, दिस इज ए फार्मेसी. ये फेमिनिन था. अब देखिए दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे होता है, हल हादा मसनाउन, इज दिस ए फैक्ट्री? अब इसका जवाब क्या है, नाम हादा मसनाउन, यस दिस इज ए फैक्ट्री. हल हाद ही सैदलियतुन, इज दिस ए फार्मेसी? नाम हाद ही सैदलियतुन, यस दिस इज ए फार्मेसी. अब दूर के लिए मा दालिका, व्हाट इज दैट? दालिका मतामुन, दैट इज ए रेस्टोरेंट. मा तिलका, फेमिनिन से व्हाट इज दैट? तिलका मदरसतुन, दैट इज ए स्कूल. अना रजुलुन, आई एम ए मैन. अब क्वेश्चन हो रहा है मन हुआ, हु इज ही? हुआ मुहंदिसुन, ही इज एन इंजीनियर. मन हिया, हु इज शी? हिया मुमर्रिदतुन, हल हिया मुदर्रिसतुन? इज शी ए टीचर? ला हिया मुमर्रिदतुन, दिस इज माय हाउस. जैसे आपको कहना है हादा बैती वदालिका बैतुका. अब आप देखेंगे कि दो सेंटेंस से मिला करके एक सेंटेंस बना है. हादा बैती, दिस इज ए माय हाउस. अब यहां प्रीपोजिशन वाव का इस्तेमाल हो रहा है, वदालिका बैतुका, एंड दैट इज योर हाउस. अना बैतुका, वेयर इज योर हाउस? बैती फी दिल्ली, माई हाउस इज इन दिल्ली. ये देखें 22 तरीके से अलग अलग सेंटेंसेज हैं. जो आपने 80 वर्ड्स पढ़े हैं, आप देखिए कि इन 22 सेंटेंस में वो कहाँ फिट होते हैं. एंड आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट यू मस्ट बी सेटिस्फाइड विथ योर प्रोग्रेस. Now you have to keep on revising these types of sentences as well as Arabic reading and writing. और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि revision का बहुत ही महत्व है. जितनी बार revise करेंगे वो word आपके जहन में बैठता जाएगा. और सिर्फ revision की जरूरत नहीं है बल्कि आप उसको speak भी करें, लोगों से बोलें. In this lesson, we are going to focus on simple sentence using definite article al, which means the in English, and prepositions ala, which means at ya on. Second preposition ma, which means with. For avoiding all kind of confusion that may arise in your mind, I have divided this lesson into 8 section, and in every section I have discussed only one thing. So let's get started. Dear students, ये हमारे लेसन का पहला सेक्शन है और ये रिवीजन के लिए है. अभी जो आपने रिवीजन किया था वो सेंटेंसेस कितने तरीके से आप बना सकते हैं ये नौवें लेसन तक. अब मैं आपको 8वें और 7वें लेसन में जो कुछ आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने जा रहा हूँ. अना आई, अंता यू मैस्कुलिन, अंती
you feminine, hua, he, heya, she, man, who, nafidatun, a window, babun, a door, miftahun, a key, kuflun, a lock. अब आप जो रिवाइज करने जा रहे हैं वो पर्सनल सफिक्सेस हैं, वो नाउन आपने सीख लिया है, पहले में आपने सीखा मैं, आप, यू, अब आप सीखेंगे मेरा, आपका, उनका। तो देखिए बैत, बैत से हम बना रहे हैं तमाम सफिक्सेस लगा रहे हैं, बैती माई हाउस, बैतुका योर हाउस, बैतुके योर हाउस फॉर फेमिनिन, बैतुहु हिज हाउस, बैतुहा हर हाउस, अइना इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स, वेयर फी इन व एंड, कमीसुन अ शर्ट, बंतलूनुन अ पैंट्स। अभी मैंने जो रिवीजन करवाया था वो अरबिक से इंग्लिश में, अब मैं अंग्रेजी का वर्ड पढ़ूंगा बोलूंगा और आप उसका मीनिंग अरबिक में रिकलेक्ट करें, याद करें, फिर उसके बाद मैं सही मीनिंग बोलूंगा। आई, अना, यू, अंता, यू फॉर फेमिनिन, अंती, ही, हुआ, शी, हेया, हू, मन, विंडो, नाफिदतुन, डोर, बाबुन, की, मिफ्ताहुन, लॉक, कुफलुन, माई हाउस, बैती, योर हाउस, बैतुका, योर हाउस फेमिनिन, बैतुकी, हिज हाउस, बैतुहु, हर हाउस, बैतुहा, वेयर, अइना, इन, फी, एंड, वा, शर्ट, कमीसुन, पैंट्स, बंतलूनुन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 9वें लेसन का दूसरा सेक्शन है, इसमें मैं आपको नए वोकैबुलरी सिखाने जा रहा हूँ और वो वोकैबुलरी ग्रामर के साथ है। अब देखिए जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं कहीं कहीं ग्रामर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं, मैंने उसको आसान से आसान तरीके से पेश करने की कोशिश किया है और उम्मीद है कि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहला वर्ड है अल, अलिफ लाम अल, देखिए अलिफ के ऊपर फतहा, लाम के ऊपर सुकून, अल, इसके मीनिंग है अंग्रेजी में द। दूसरा वर्ड, असल वर्ड क्या है, फाकिहतुन। अब ये जो तुन लगा हुआ है ये इंडेफिनिट नाउन है, फाकिहतुन, इसके माने हो जाएगा सम फ्रूट्स, एनी फ्रूट, अ फ्रूट, ये कॉमन नाउन हो जाएगा इंडेफिनिट। लेकिन जब उसके ऊपर अल लगा देंगे तो वो हो जाएगा अल्फा के हतो, अल्फा के हतो, तो उसके मीनिंग हो जाएगा द फ्रूट। अब ये डेफिनिट हो गया। देखिए अल लगने का इफेक्ट क्या होता है, फा के हतुन आखिर में तनवीन आ रहा था, वो तनवीन ड्रॉप हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा फाकिहतुन से अल्फाकिहतो, सिर्फ अल की वजह से ये हुआ है। और जो आखिर में तो है वो कभी ता भी बन सकता है, ती भी बन सकता है, इसलिए कि उससे प्रीसीडिंग वर्ड जो होगा ये उसका इफेक्ट यहां जाहिर होगा, तो उसमें आप कभी कंफ्यूज ना हो। तो फिर एक बार मैं शुरू करता हूं फिर से, अल द। अब ये अल जहां भी लगाएंगे उस वर्ड्स के मीनिंग में द आ जाएगा, जैसे फाकिहतुन अल फाकिहतु द फ्रूट,
माउन अलमाओ द वाटर, पहले माउन था, उस पर अलिफ लाम लगाया आपने, अल किया, तो पहला इफेक्ट क्या हुआ, वो जो तनवीन है वो बिल्कुल गिर जाएगा, उसकी जगह पर सिर्फ जम्मा बाकी रहेगा। तो माउन से अल लगाने से क्या हो गया, अलमाओ अलमाओ द वाटर द वाटर। थर्ड है खुबजुन, उस पर अल लगाएं, तनवीन को गिराइए और क्या बचा, खुबजुन से अल खुबजो द ब्रेड। शायुन टी, जिसको आप चाय पीते हैं, शायुन टी, इसके ऊपर अल लगाया तो इसको पढ़ रहे हैं अशायो द टी। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि पहले जब लगाया अल खुबजो तो लाम पढ़ा जा रहा था, अशायो में अलिफ तो पढ़ा जा रहा है और लाम नहीं पढ़ा जा रहा है। तो देखिए ग्रामर है इसमें, ये हरूफ शमसी और कमरी होते हैं, जो हरूफ कमरी होते हैं उनके ऊपर अल प्रोनाउंस किया जाता है, जो हरूफ शमसी होते हैं और उनकी तादाद 14 है। अब अगर मैं ग्रामर बताऊं यहां तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ वर्ड क्या हैं, जैसे त स द दाल दाल रा जा सीन शीन साद वाद तो वो, इस तरीके के 14 अल्फाज हैं कि जब उसके ऊपर अलिफ लाम आता है तो लाम साइलेंट हो जाता है। और ये कैसे, मैं ग्रामर नहीं सिखाना चाहता हूं यहां, इसलिए कि शुरू शुरू में कंफ्यूजन बढ़ेगा। आप पढ़ते पढ़ते देखिए कि किस वर्ड के ऊपर लाम को प्रोनाउंस किया जा रहा है और कहां वो साइलेंट हो जा रहा है। तो शाय शीन के ऊपर नहीं पढ़ा जाएगा, शाय के ऊपर अलिफ लाम लगाया आपने, क्या हो गया, अशायो अशायो द टी। कहवतुन, इस पर अलिफ लाम लगाएं, अल कहवतो द काफी। आसीरुन अल आसीरो द जूस। हलीबुन अल हलीबो द मिल्क। अब आपको कुछ प्रीपोजिशन बताना है, अला अला के माने क्या होगा, एट या ऑन। मा विथ मा विथ। डियर स्टूडेंट, ये तीसरा सेक्शन है इस लेसन का और ये ग्रामर है। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न टू ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स। फर्स्ट, नाउन इन अरबिक इज ऑफ टू टाइप्स, इनडेफिनिट नाउन, और उसको हम अरबिक में अन्नकिरा कहते हैं। जैसे रजुलुन अमैन, बैतुन अ हाउस, गुरफतुन अ रूम, ये कॉमन नाउन है, ये इनडेफिनिट है, और जब हम इसको डेफिनिट बनाते हैं तो उसको हम मारिफा कहते हैं, अल मारिफा। तो आगे चल करके हम नकिरा और मारिफा का जो टर्म है उसको यूज करेंगे। अब मारिफा कैसे बना, वही जो आपको पहले लेसन में मैंने सुनाया, पहले सेक्शन में, कि जहां अलिफ लाम लगा देते हैं, जैसे रजुलुन था अर रजुलो। अब यहां आप ये भी देखिए, लाम यहां साइलेंट है, रा के ऊपर लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अर रजुलो दमायन, बैतुन उस पर अलिफ लाम को अटैच किया, अल बैतो द हाउस, अल गुरफतो गुरफतुन था, अल गुरफतो द रूम। तो आपने अल का इफेक्ट भी देख लिया कि जहां अल आएगा आखिर से जो तनवीन है वो ड्रॉप हो जाएगी। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डेफिनेट नाउन। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न द मीनिंग एंड यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द विच इज एक्सप्रेस्ड इन अरबिक बाय द सिलेबल अल। मैंने पहले भी बता दिया, अल विच इज ए प्रीफिक्स्ड टू द नाउन एंड एडजेक्टिव। इफ एनी नाउन आर एडजेक्टिव is prefixed with al, the tanween at the end of the word will be dropped. For example, khubzun al khubzu. The pronunciation of al is tricky and differs from word to word. So please be careful and listen carefully ki how I am pronouncing. The indefinite article I have already explained to you. The indefinite article
A and Ayn is expressed in Arabic by Tanween. For example, Jawazun, Matarun. This is ab ye Jawazun Nakira hai. Matarun Nakira hai. Teesra point hai grammar ka, preposition. So far we have learnt two important prepositions, fi wa. Isse pehle lesson mein humne do padha tha, fi aur wow. In this lesson we are going to learn two more. They are ala, at, ya on, ma, with. Ek cheez aur bata dun, ye jab preposition kisi word par aate hain to uske baad jo foran aata hai, jo usko follow karta hai, usko wo genitive case mein kar dete hain. Yani fi ke baad jo bhi aayega uske niche kasra aa jayega, ala ke baad jo bhi word aayega uske niche kasra aa jayega, ma ke baad jo bhi word aayega uske niche kasra aayega. Aap ghabraiye nahi, jab ye word aayenge hum usko use karenge, fir aap dekhiyega ki iska effect kaise ho raha hai. Dear students, maine detail mein aapko samjha diya ki definite indefinite kya cheez hai. Ab usko hum practice karne ja rahe hain aur main takriban 20 word mein isko practice karunga taki ye aapke dil mein baith jaye. Aur main aapko bata dun ki is lesson ke andar ya is book ke andar ya mere kisi bhi video ke andar main koi naya alfaz nahi istemal karta hu jab tak uska meaning nahi bata dun. To ye tamam alfaz, ye tamam words aap padh chuke hain, sirf aapko practice karna hai. Dekhiye indefinite kya hai pehle, kitabun, uske meaning kya hai, a book. Isse kya bana, al kitabu, the book. Qalamun, a pen, al qalamu, the pen. Rajulun, a man, ar rajulu, the man. Ab yahan zara note kar lijiye, ra ke upar lam silent ho ja raha hai, ar rajulu. Imraatun, a woman, al imraatu, the woman. Waladun, a boy, al waladu, the boy. Bintun, a girl, al bintu, the girl. Baitun, a house, al baitu, the house. Sayyaratun, a car, as sayyaratu, the car. Dekhi, seen ke saath jab lam aata hai to wo silent ho jata hai. As sayyaratu, al sayyaratu galat ho jayega. As sayyaratu, the car. Jawalun, a mobile, al jawalu, the mobile. Matarun, an airport, al mataru, the airport. Haqibatun, a bag, al haqibatu, the bag. Hafilatun, a bus, al hafilatu, the bus. Maktabun, an office, al maktabu, the office. Kursiyun, a chair, al kursiyu, the chair. Shahinatun, a truck, ash-shahinatu, the truck. Yahan bhi aap mark kar lijiye ki sin ke saath aur sheen ke saath lam silent. Ash-shahinatu, dekhiye uska ek hi tarika hai ki isko dasiyon baar aap repeat karein. Ash-shahinatu 10 baar 20 baar taki jab bhi kabhi aaye to aapki zuban pe aisa chadha ho. Shantatun, a suitcase, ash-shantatu, the suitcase. Dekhiye yahan sheen hai. Fundukun, a hotel, al funduku, the hotel. Ghurfatun, a room, al ghurfatu, the room. Hindiyun, an Indian, al hindiyu, the Indian. Dear students, ye panchwa section hai nove lesson ka, and this is meant for reading, writing and translation into English. Reading and translation you can do with me, but writing you have to do alone. इस लेसन में हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सेंटेंस विथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. ये जो हमने ऑर्डर रखा है ये ऐसे हैफजार्डली नहीं है, इसको बड़े कायदे से रखा है कि पहले मैस्कुलिन है, फिर फेमिनिन है, नियर के लिए है, फार के लिए है. अब आप देखिए इनकम्प्लीट सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस. इनकम्प्लीट क्या है, देखो पहले कंप्लीट आप पढ़ें, आप पढ़ चुके हैं हादा बैतुन,
एनालाइज करने दीजिए, हादा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है और ये एक तरीके से मारिफा है, डेफिनेट नाउन है। बैतुन ये उसकी खबर है, प्रीडिकेट है। तो हादा सब्जेक्ट है और बैतुन प्रीडिकेट है, ये दोनों से मिलकर के बात पूरी हो जा रही है। हादा बैतुन, दिस इज अ हाउस। लेकिन इसी चीज को कहें हादल बैतु। देखो अब यहां अल को एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अभी तक मैंने आपसे कहा किताबो किताबुन अल किताबो, अब यहां अल बीच में आ रहा है। जब भी इस तरीके का अल बीच में आएगा तो उसके ऊपर कोई वावेल नहीं होता है, प्रीसीडिंग वर्ड का जो आखिरी वावेल होता है वही उस पर लगाया जाता है। जैसे हादा, तो आखिर में क्या है, फतहा है दा। अब वहां अलबैत लगा हुआ है तो जाल का फतहा सीधे लाम पर चला जाएगा और अलिफ वहां से साइलेंट एकदम से हो जाएगा। तो दो अलिफ यहां साइलेंट हो रहे हैं। आप मेरे प्रोनंसिएशन पर ध्यान दें। हादा बैतुन, देखिए बगैर अलिफ लाम के सेंटेंस पूरा है, दिस इज ए हाउस। अगर आप अंग्रेजी का सेंटेंस देखें तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से अंग्रेजी में है उसी तरीके से अरबिक में भी है। अरबिक में है हादा, अंग्रेजी में है दिस, इज ए कपुला है, वो तो अरबिक में आता नहीं है। अ हाउस बैतुन, आपने कहा हादा बैतुन, दिस इज ए हाउस। लेकिन जब आप कहेंगे हादल बैतो, हादा तो पूरा है और बैतो बैतुन के ऊपर अलिफ लाम आपने दाखिल कर दिया तो वो हो गया हादल बैतो, इसके माने हो जाएगा दिस हाउस। अब यहां हादा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसको अरबिक में कहते हैं इसमें इशारा, तो ये इशारा हो जाएगा और जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं बैत की तरफ, घर की तरफ, वो मुशारुन इलैह हो जाएगा। तो जितने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं वो सब इसमें इशारा कहलाएंगे और उसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो मुशारुन इलैह हो जाएगा, उसका इफेक्ट वहां होगा। फिर एक बार देखें हादा बैतुन, ये कंप्लीट है। हादल बैतो, दिस हाउस। अब ये दिस हाउस के बारे में बात पूरी नहीं हो रही है कि दिस हाउस इज न्यू, दिस हाउस इज ओल्ड, दिस हाउस इज गुड, दिस हाउस इज बैड, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज योर्स। अभी बात बाकी है, सिर्फ हमने क्या कहा दिस हाउस। तो अधूरे सेंटेंस के लिए देखिए कुछ अल्फाज बढ़ गया, अलिफ लाम बढ़ गया। हादा बैतुन, दिस इज ए हाउस, कंप्लीट सेंटेंस। हादल बैतो, दिस हाउस। जालिका बैतुन, दैट इज अ हाउस। जालिकल बैतो, दैट हाउस। देखिए काफ का वावेल जो है वो लाम के साथ जा रहा है, अलिफ गिर जा रहा है, इस प्रोनंसिएशन को आप ध्यान रख दीजिएगा। जालिकल बैतो, दैट हाउस, अब फेमिनिन के लिए। हाद ही सैयारतुन, दिस इज अ कार। हाद ही सैयारतो, हाद ही सैयारतो, हाद ही सैयारतो, दिस कार। अब यहां देखें ही जो उसके नीचे कसरा था वो सीधे सीन पर चला गया, अलिफ लाम दोनों जो है साइलेंट हो गए, चूंकि ये हुरूफ शमसी था तो इसको याद करना जरूरी है। हाद ही सैयारतो, दिस कार। तिलका सैयारतुन, दैट इज ए कार, सेंटेंस कंप्लीट। तिलका सैयारतो, तिलका सैयारतो, दैट कार। हादा सायहुन, दिस इज अ टूरिस्ट, सेंटेंस पूरा है। अब अलिफ लाम के साथ देखें हादा सायहु, दिस टूरिस्ट। अब दालिका के साथ, दालिका ताजिरुन, दैट इज ए ट्रेडर। दालिका ताजिरो, देखो ते के साथ काफ को बुला दे रहे हैं, ये हरूफ शमसी है। जालिका ताजिरो, अलिफ और लाम दोनों साइलेंट हो गया, अत्ताजिर लिखा था यानी अल ताजिरो लिखा गया है लेकिन हम उसको पढ़ रहे हैं अत्ताजिरो, तो ते के साथ जब लाम आए अलिफ लाम तो लाम साइलेंट हो जाता है। ये मैंने आपको शीन के साथ बताया, शीन के साथ बताया, सीन के साथ बताया, अब ता के साथ। जालिका ताजिरो, दैट ट्रेडर। हाद ही मुमर्रदतुन, दिस इज ए नर्स। हाद ही मुमर्रदतु, दिस नर्स। तिलका मुहासिबतुन, दैट इज एन अकाउंटेंट।
tilkal muhasaba muhasabatu that accountant hadha harisun this is a watchman hadha al harisu this watchman dhalika tabibun that is a doctor dekhiye angrezi ka sentence pura arbi ka sentence pura dhalika tabibu that doctor dear students ये दोनों हमने कंपैरिजन करके आपको दिखाया है कि सेंटेंस पूरा कहाँ हो रहा है और इनकम्प्लीट ये जो इनकम्प्लीट अभी आपको मैंने छोड़ा है कि ज़ालिका ताजिरो हाज़ि ज़ालिका तबीबो इसको अगले लेसन में हम आपको बताएंगे कि अगले में या अगले से अगले में हम बताने की कोशिश करेंगे कि इसको कम्प्लीट कैसे करते हैं तो आप कम्प्लीट को एक तरफ ध्यान में रखें और इनकम्प्लीट को दूसरी तरफ ध्यान में रखें Dear students, ये हमारा छठा सेक्शन है and this is meant for translation into Arabic. In this lesson, you will see how many types of sentences you can form. There is not a single word or language structure you have not read earlier. This is the beauty of this course. पहला सेंटेंस है This is a doctor. देखिए जैसे अंग्रेजी में है अरबी वैसे ही चलती है अब आप ध्यान दें दिस इज ए डॉक्टर दिस की अरबी क्या है हादा अ डॉक्टर तबीब हादा तबीबुन अब देखिए पूरा सेंटेंस अब आपको मैं ट्रांसलेशन करवा रहा हूं इनकम्प्लीट सेंटेंस दिस डॉक्टर हादा तबीब वेयर इज योर डॉक्टर अब आपने योर की अरबी पढ़ लिया है वेयर की अरबी पढ़ लिया वेयर की अरबी क्या है आईना योर डॉक्टर तबीबो का तो अब पूरा सेंटेंस क्या होगा आईना तबीबो का दैट इज माई डॉक्टर दैट की अरबी जालिका माई डॉक्टर तबीबी जालिका तबीबी अब ये देखिए तबीबी दो वर्ड से बना हुआ तबीबी एक है उसके बाद सफिक्स आया है माई इसको कहेंगे तबीब को मुदाफ और ये को मुदाफिल है इसको मुदाम मुदाफिले कहेंगे पोसेशन फ्रेज कहेंगे या क्लॉज कहेंगे दैट इज ए माई डॉक्टर दालिका तबीबी इज दैट योर डॉक्टर देखिए इज दैट योर डॉक्टर क्या वो आपका डॉक्टर है तो इसकी अरबी क्या आपको पढ़ाया हूं हल इज दैट दैट की अरबी क्या है दालिका योर डॉक्टर तबीबो का हल दालिका तबीबो का जैसे अंग्रेजी में है वैसे ही यस That is my doctor. Yes, की अरबी क्या है नाम That is my doctor. ज़ालिका तबीबी His book. किताबुहु This is his book. हादा किताबुहु Where is his book? अइना किताबुहु His book is in my bag. His book. किताबुहु In फी पहले बार प्रीपोजिशन इस्तेमाल करने जा रहे हैं फी माई बैग हकीबती तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा किताबहु फी हकीबती हिज बुक इज इन माई बैग इज हिज बुक इन योर बैग क्या उसकी किताब आपकी बैग में है देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और आप देखिए कितने आसानी से ट्रांसलेशन कर रहे हैं इसकी अरबी क्या है हल हिज बुक की अरबी क्या है किताबहु हल किताबहु इनकी अरबी क्या है फी योर बैग की अरबी क्या है हकीबतों का लेकिन फी की वजह से फी हकीबते का मैंने आपको बताया था कि जहां फी प्रीपोजिशन आ जाएगा हरफे जार आ जाएगा उसके बाद कसरा आ जाएगा हल किताबहु फी हकीबते का आप जवाब दे रहे हैं यस हिज बुक इज इन माई बैग नाम किताबहु फी हकीबती अब अगर आप गौर से देखें तो इतने बड़े बड़े सेंटेंस आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं और अभी ये आपका नौवां लेसन है असली पढ़ाई तो आपका पांचवें लेसन से शुरू हुआ है चार लेसन में तो सिर्फ आपको मैंने अल्फाबेट सिखाया था तो इसको बार बार पढ़ें और देखें कि जो 80 वर्ड आपने सीख रखे हैं उनमें इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं डियर स्टूडेंट ये सातवां सेक्शन है एंड दिस इज मेंट फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज विथ आईना व हल हम सवाल पूछेंगे आईना से और हल से और ये आपको बोलने के लिए है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बोलें इन दिस सेक्शन
you will practice the use of where, aina, is it, hal. This will help you in speaking, and you can make questions, you can give answers. This will also help you in understanding the language, as there is English translation of each sentence. जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इसमें आईना और हल से सवाल पूछेंगे. देखिए, आईना कलमुका, वेयर इज योर पेन. देखिए, आईना को पढ़िए, अलिफ के ऊपर फतहा, ईए के ऊपर सुकून, नून के ऊपर फतहा, आईना. कलमुका, काफ के ऊपर फतहा, लाम के ऊपर फतहा, मीम के ऊपर दम्मा, काफ के ऊपर फतहा, आईना कलमुका. ये सवाल हो गया, वेयर इज योर पेन. जवाब, कलमी फिल हकीबते, कलमी, माई पेन इज इन द बैग, नॉट इन माई बैग. कलमी फिल हकीबते, माई पेन इज इन द बैग. कलमी एनालाइज कर चुका हूं, फेक नहीं. देखो, काफ के ऊपर फतहा, लाम के ऊपर फतहा, मीम के नीचे कसरा, या के ऊपर सुकून. कलमी, फे के नीचे कसरा, या के ऊपर सुकून, फी. अब ये फी, अब उसके बाद वही डेफिनिट अनडेफिनिट का याद कीजिए. ये हकीबतुन था, ये अलहकीबा बन गया, फिल हकीबते. तो अब फी के नीचे मैंने आपसे बताया था कि जो सबसे आखिर वाला वावेल होगा उसी के साथ लाम को मिला देंगे, फिल हकीबते. तो फे के नीचे जो था सुकून, तो आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, वो साइलेंट होता है. फिल, तो लाम आ गया, अलिफ साइलेंट हो गया. हे के ऊपर फतहा, काफ के नीचे कसरा, या के ऊपर सुकून, फिर हकी, ब के ऊपर फतहा, और त के नीचे कसरा. देखिए क्यों कसरा आया, फी की वजह से आया. फी प्रीपोजिशन है, इसके बाद वाले जो भी वर्ड आएगा उसके नीचे कसरा आ जाएगा, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कलमी फिल हकीबत, माई पेन इज इन माई बैग, इन द बैग. अब सवाल क्या जा रहा है कि आईना हकीबतों का, वेयर इज योर बैग. जब आपके बैग में पेन है तो सवाल ये हो रहा है बैग कहाँ है. आईना आप पढ़ चुके हैं, आईना हकीबतों का, वेयर इज योर बैग. अब आप कह रहे हैं हकीबती फी मकतबी, माई बैग इज इन माई ऑफिस. हकीबती, ये दो वर्ड हैं, हकीबा एक है, हकीबती माई बैग. फी प्रीपोजिशन, मकतब मकतबी, माई बैग इज इन माई ऑफिस. देखिए अंग्रेजी में और अरबी में देखें कैसे चल रहा है, माई बैग हकीबती, इन फी, माई ऑफिस मकतबी. जैसे अंग्रेजी में है वैसे अरबिक में है, कितना आसान है. हकीबती फी मकतबी, माई बैग इज इन माई ऑफिस. हल हकीबतों का फी मकतबे का. अब सेंटेंस देखिए कैसा अलग बदल गया, क्या आपका बैग आपके ऑफिस में है. इज योर बैग इन योर ऑफिस. हल हकीबतों का, इज योर बैग फी इन मकतबे का, इन योर ऑफिस. देखिए मकतबे, क्यों बे के नीचे कसरा आया, ये फी की वजह से आया. अब जवाब दे रहे हैं, नाम बॉडी लैंग्वेज से भी सरी लाइए ना. हकीबती फी मकतबी, यस माई बैग इज इन माई ऑफिस. डियर स्टूडेंट्स, ये 5, 7, 8 जो भी सेंटेंस रहे होंगे, देखिए इसको कैसे बनाया गया है, और आपको ये स्ट्रक्चर दिया गया है, और आप चल करके इसको खुद से बनाएं, खुद से सीखें. डियर स्टूडेंट्स, ये 8वां सेक्शन है, एंड दिस इज मेंट फॉर प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. रीडिंग की प्रैक्टिस आप मेरे साथ कर लें. हादा बैतुन, दिस इज अ हाउस. हादल बैतु, दिस हाउस. दालिका बैतुन, दैट इज अ हाउस. दालिकल बैतु, दैट हाउस. हादही सैयारतुन, दिस इज अ कार. हादही सैयारतु, दिस कार. तिलका सैयारतुन, दैट इज अ कार. तिलका सैयारतु, दैट कार. अइना कलमुका, वेयर इज योर पेन. कलमी फिल हकीबते, माई पेन इज इन द बैग. अइना हकीबतुका, वेयर इज योर बैग. हकीबती फी मकतबी, माई बैग इज इन माई ऑफिस. हल हकीबतुका फी मकतबे का, इज योर बैग इन योर ऑफिस. नाम हकीबती फी मकतबी, यस
माई बैग इज इन माई ऑफिस। डियर स्टूडेंट, हमने इस लेसन को बड़ी अच्छी तरीके से कर लिया। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे खुद कभी कभी एहसास होता है कि शायद मैं लेसन्स को ओवरलोडेड बना दे रहा हूँ, लेकिन वो लैंग्वेज की मजबूरी है कि अगर मैं वो चीज़ न समझाऊँ तो शायद क्लियर ना हो। अब आपसे मेरी मुलाकात 10वें लेसन में होगी। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान दें।